भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए आप गवर्नमेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट फोर्थ होगा। ये क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि SSC, CGL, वीडियो, रेलवे और भी जो आपके एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @GovernmentNaukri लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आप इसके PDF पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य हड़प की नीति या राज्य अक्षय किसके द्वारा लागू की गई? तो देखिए, जो राज्य हड़प की नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी और ये 1848 में लागू की गई थी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था वो 1848 से लेकर 1856 तक था। देखिए, इस नीति में था क्या कि जो भारत के जो राज्य थे उन्हें इस नीति के द्वारा अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था और इस नीति के द्वारा अंग्रेजी शासन में विलय किए गए जो मुख्य राज्य थे जिनमें से पहला था आपका सतारा, जिसे 1848 में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था, और दूसरा था आपका संबलपुर। संबलपुर को 1849 में इस नीति के द्वारा अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था, और तीसरा था आपका उदयपुर जिसे 1852 में मिलाया गया था अंग्रेजी राज्य में, और चौथा था आपका झांसी, इसे 1853 में मिलाया गया था, और पांचवा था आपका नागपुर। नागपुर को 1854 में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था, और सिक्स्थ था आपका अवध जिसे 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, और उस समय अवध के जो नवाब थे वो वाजिद अली खां थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो इसका आंसर तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता ही दिया, तो वो भारतीय राज्य थे झांसी, नागपुर, सतारा, उदयपुर, अवध और संबलपुर, और मैंने आपको सन भी बता दिया कि किस सन में अंग्रेजी साम्राज्य में इन राज्यों को मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जो लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड था वो 1856 से लेकर 1862 तक था, पर 1856 से लेकर 1858 तक ये गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। फिर 1858 में जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसे वायसराय कहा जाने लगा था। तो 1858 में लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत के वायसराय नियुक्त किए गए थे, और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, 1857 का विद्रोह, ये इन्हीं के टाइम पर हुआ था, और लॉर्ड कैनिंग ने मद्रास में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की थी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी थी लॉर्ड कैनिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो टाइम पीरियड था वो 1828 से लेकर 1835 तक था, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। देखिए, 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1828 से लेकर 1833 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे, और चार्टर एक्ट के आने के बाद ये 1833 में भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे थे, और 1833 से लेकर 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1790 से लेकर 1792 तक चला था, और उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कार्नवालिस थे, और जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद समाप्त हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792
1992 में हुई थी। और जो श्रीरंगपट्टनम है वो कर्नाटक में स्थित है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको कर्नाटक की कैपिटल भी पता होनी चाहिए। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया? 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध जो प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था, और ये युद्ध बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और उस समय जो बंगाल के नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और सिराजुद्दौला की उसमें हार हुई थी। सिराजुद्दौला की हार उनके जो सेनापति थे मीर जाफर, उनकी धोखाधड़ी के कारण हुई थी। तो 1857 के युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। तो होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। और प्लासी के युद्ध के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर तो आपको पता ही लग गया होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम और अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच में हुआ था ये। और देखिए, जिसमें मीर कासिम और अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, ये तीनों एक साइड थे और ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी साइड थी, पर फिर भी इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की ही जीत हुई थी। और इस युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। तो आपको बक्सर का युद्ध समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये तो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा ही दिया कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई? देखिए, जो सुगोली की संधि हुई थी वो मार्च 1816 में हुई थी, और इस संधि के बाद आंगल नेपाल युद्ध का अंत हो गया था। तो अब देखते हैं कि ये संधि किस किस के बीच हुई थी। तो ये संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में इसका आंसर आपको बताया गया है और डिटेल में समझाया भी गया है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? और ठगी प्रथा के बारे में भी आपको इससे पहले समझाया गया, तो इसका आंसर भी मैंने नहीं बताना, आपने ही बताना है। अगला क्वेश्चन है, बोडयार किसके शासक थे? तो बोडयार मैसूर रियासत के शासक थे। और देखिए, बोडयार मैसूर रियासत के 25वें और आखिरी शासक थे, और इनका टाइम पीरियड 1940 से लेकर 1950 तक था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, और श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान ने 1787 में पातशाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासन काल में 1857 का विद्रोह हुआ? तो जब मैंने लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको बताया था, तब मैंने आपको बता दिया था कि जो 1857 का विद्रोह है वो भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही हुआ था। और 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो चर्बी वाले कारतूस थे, क्योंकि देखिए जो ये कारतूस थे इनमें गाय और सुअर की चर्बी यूज की जाती थी इसे बनाने में, और क्योंकि इन कारतूसों को दांत से छीलना पड़ता था इसलिए मुस्लिम और जो हिंदू सैनिक थे उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद लेने की प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने खत्म किया? इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो इसका आंसर भी आप लोगों को ही देना है कि गोद लेने की प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग किया गया? तो आपको पता ही है कि वो लॉर्ड कैनिंग का टाइम था, जिस समय 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण यही था कि सैनिकों को गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस यूज करने के लिए दिए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय जमींदारों से उन्हें इनाम में मिली भूमि को छीन लिया था? तो उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये सबसे पहले बैरकपुर छावनी में शुरू हुआ था, बैरकपुर छावनी में।
और धीरे धीरे ये देश के बहुत सारे भागों में फैल गया, जैसे कि कानपुर में, लखनऊ में और बरेली, जगदीशपुर, झांसी, अलीगढ़, इलाहाबाद, फैजाबाद, इन सब क्षेत्रों में यह विद्रोह फैल गया था। और उस समय इन क्षेत्रों का नेतृत्व किन्होंने किया था, इसके रिगार्डिंग आगे क्वेश्चन आएंगे वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किन्होंने किया था, तो दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था और दिल्ली में यह विद्रोह 12 मई 1857 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किस नेता ने किया, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में नाना साहिब ने किया था और कानपुर में ये विद्रोह 5 जून 1857 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया, तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था और लखनऊ में यह विद्रोह 4 जून से शुरू हुआ था, 4 जून 1857 से। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इलाहाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को कब प्राप्त हुई, तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो डेथ है वो 17 जून 1858 में हुई थी, ये 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्थित जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, और ये 1857 का विद्रोह है, तो जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था और जगदीशपुर में यह विरोध अगस्त 1857 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर ने विद्रोह किस तारीख को शुरू किया, जैसे कि आप लोग जान ही चुके कि बहादुर शाह जफर ने दिल्ली का नेतृत्व किया था और मैंने आपको ये भी बता दिया कि दिल्ली में ये विद्रोह 12 मई 1857 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून 1857। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ, तो इसका आंसर भी आपको पता लग गया होगा कि 4 जून 1857। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने विद्रोह कब शुरू किया, कुंवर सिंह जिन्होंने बिहार के जगदीशपुर का नेतृत्व किया था, उन्होंने ये विद्रोह अगस्त 1857 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, तांत्या टोपे को कब फांसी दी गई, तो तांत्या टोपे स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक थे। और देखिए, तांत्या टोपे और जो लक्ष्मी बाई थी और उनकी जो पूरी सेना थी, उन्होंने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से पूरे ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया था और तांत्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1857 के विद्रोह के बाद ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, तो आपको टाइम बताना है कि कब प्रथम जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया था, तो इन्होंने 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया था और 1 नवंबर 1858 में ही महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वो इसी दरबार में पढ़ा गया था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बाद आपके आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब फिनिश हो गए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आने वाली सभी लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और साथ ही में आपको उनकी तैयारी भी करवाई जा रही है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।